जी, अब हम इस प्रोग्राम की पूरी कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं भारत के मन की बात, और यहाँ पर हम दावा देना चाहेंगे जनाब सुनील जी से, वो यहाँ पर आए और अपने ख्याल का इजहार करें। जनाब अविनाश राय खन्ना साहब, जो हमारे कौमी नायब सदर हैं हमारी पार्टी के, कुछ उस चावन तो इनिश माजरत गुड ऐसे भाई ने लेट सुबह इस फ्लाइट है नौ क्यों था, लेकिन फ्लाइट लेट हो घट घट ताकि चावन चुन तो माजरत वही अविनाश जी अशु जल्दी पा जरा वापस कर सू वो हमने तुम जाट टाइम के जरा दो मिनट प्लीज बातें नहीं कीजिए। आज से समित बड़ी सर किस मखसूस प्रोग्राम तहत थी तो ऐसे उसे आज कि आज जो गोटनिक लेके भारतीय जनता पार्टी है फाइनेंस ऑफिशियल यूज ऐसे बहुतदार छे तमन अलाउड के नफर बुलामिन के लूप बुलामिन पूर कशीर पेटर यमन सीट ऐसे कह चाहूं चिकारी कर बात चाहूं चिकारी लिहाजा आज दूत पनीर यम ओहदार छे ओत्र दिल्ली बैठा यमन हदायत कि पूर कशीर मन यम एस चाहूं जी तमन से समको नकलेटी तीनस दिलस मन जो उसका छे एस चाहूं जी बूटू में सोन इलेक्शन छु तात के मैनिफेस्टो उस मन तीनस का त्रावी ताकि ऐसे को ये ची बेबुदी की और खासकर कशीर इंडियस हालात मद्देनजर थी या ये डेवलपमेंट मेंटल मद्देनजर थी ऐसे को कई स्टेप्स तुलित तब मौजूद तुत मुझ आज ऐसे तो तकलीफ ये थी तो वो निम्न तुम जाट टाइम के क्या इसकी तो इतिहासन पाई तजवीज यो तो ऐसे उचन पूरे हिंदुस्तान समझ चुके हैं कि ऐसा प्रोग्राम लगे कि भारत के मन की बात मोदी जी के साथ यो सर इस दिलस मस के काचे ऐसे के सवाल आचे ऐसे के तजवीज छे टीम करो आज ऐसे शेयर और खास कर ऐसे तो मुझे एक बात थी यात्मन जैको इस लिखित रही और ऐसे में जो आज मौजूद मेहमान काबिल एहतराम जनाब खन्ना साहब बुद्धिम इमनी वाइंकनेस माइक की हिमाई करें एक पर बहुत कार्रवाई और तो इसी की उस तकात बात है इसका ही मैं चलो अगर की हिमाई एक पर करें वो कर ये थी पहली कात खत्म खुदा रुज रुज सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं आप जितने भी 24 संस्थाओं से यहाँ पर प्रमुख लोग आए हैं मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। खराब मौसम के बावजूद हड़ताल के बावजूद आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया है उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। अभी सुनील जी ने बताया ये प्रोग्राम है क्या, लगातार 5 साल मोदी जी ने महीने के आखिरी रविवार को संडे को 11 बजे लोगों से मन की बात का एक कार्यक्रम किया। ये एक अपने आप में एक बहुत तेज सा कार्यक्रम था। अभी नई सरकार आने वाली है, अब जब हम लोग अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं जिसको विजन डॉक्यूमेंट कहा जाएगा, उस विजन डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो, लोगों के मन में क्या है, भारत के मन की बात, ये लोग हम लोग ये बॉक्स लगाया है, जो जो आप अपना सजेशन इसमें डालोगे लिख के वो हम लोग मोदी जी के नाम पे होगा, जो संकल्प पत्र बनेगा विजन डॉक्यूमेंट बनेगा उस डॉक्यूमेंट में जो जो आपके सुजेशन होंगे सुझाव होंगे जो भी पार्टी उसको। जम्मू में कार्यक्रम था, आज यहाँ कार्यक्रम है भारत के मन की बात, तो इसलिए इसका नाम ही ये दिया गया है कि हर कोने से हम लोग लोगों के सुझाव, क्योंकि दिल्ली में बैठकर जो यहाँ पर कोई समस्या फेस कर रहे हैं आप अलग अलग एसोसिएशन से हैं, आपकी कोई स्पेसिफिक कोई समस्या होगी कोई सुजेशन होगा सुझाव होगा उसको हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, तो आप खुले मन से 2-3 लोग अपनी बात करें और मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक पेपर लेकर अपना सुजेशन उस पे नाम और अपना मोबाइल नंबर
अगर कोई जानकारी लेनी होगी तो हम लोग फोन करके भी वो कमेटी ले सकती है। इस कमेटी के जो हेड है उसकी बड़ी टीम बनी है, राजनाथ जी हैं, गडकरी जी हैं, सुषमा जी हैं, काफी सीनियर लोगों को इस टीम में डाला गया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपना कोई कार्यकर्ता जो तीन चार लोग अपनी मन की बात, अपना कोई सुझाव है बड़ा शॉर्टली उसमें रखें और फिर लिखकर कुछ लोगों ने बॉक्स में डाला है वो बॉक्स में डालें, हम उसको कलेक्ट करके संकल्प समिति के पास भेज देंगे। आपके पास कार्ड होगा ना, है कार्ड? रख, दिखाना दिखाना कार्ड, रख कार्ड दिखाओ जी, मत डालो, एक मिनट देना, ये देखिए आपको मैं ये बता दूं, इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का एड्रेस है, आपकी सीधी चिट्ठी नरेंद्र मोदी जी को जा रही है। तो आप विश्वास रखिए भारत के मन की बात जो भी संकलन होगा, जो भी कलेक्शन होगी, इसको हम लोग उनसे साथ शेयर करेंगे। और मुझे पूरी आशा करता हूँ, पूरी मुझे विश्वास है कि आपके अच्छे सुझाव जो हैं वो हम लोग अपने संकल्प पत्र में डालेंगे। ये एक बार आप देख लीजिए, मेरे खुशी है कि आप सबने लिख लिया है, इस पे अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी, सब कुछ आपने दिया है। और मैं चाहूंगा ऐसे ही सभी लोग इसको लिखकर उस बॉक्स में डालें। जो भी किसका क्वेश्चन है जरा बता दें, फिर हम लोग बाद में प्रेस पॉलिसी बात करेंगे। मैं प्रेस का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना समय हमें फिर दोस्तों मन अगर जमीन टीम करनी हो तो मुझे पद वापसी नहीं होगी, चलो क्योंकि आपके प्रश्न दे सकते आप। जे एंड के बीजेपी से लाइव फोन दी कौन گسان یہ ہاں کی توے ٹھیک چیک اگر فون शुरू करें। एक सेकंड, एक सेकंड, आपकी बात माननी पड़ेगी। सबसे पहले मैं प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज श्रीनगर में हमारे दो कार्यक्रम थे, एक कार्यक्रम था मेरा घर भाजपा का घर, उसके तहत देश भर में करीब 5 करोड़ झंडे भारत के भारत में लगाए जाएंगे, उसकी शुरुआत कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने घर से की है। और कल करीब 55 लाख झंडे अलग अलग प्रदेशों में, शहरों में, गांव में लोगों ने लगाए हैं। आज दूसरा दिन है, आज 25 लाख झंडे लगेंगे, कल फिर 25 लाख झंडे लगेंगे, करीब 1 करोड़ झंडा जो है वो हम 3 दिन में लगाने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम 2 मार्च तक चलेगा। जो आज का कार्यक्रम यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ये हमारा जो संकल्प पत्र जिसको हम आने वाले चुनाव में लोगों से क्या वादे करने वाले हैं, सरकार क्या काम करने वाली है, इसका नाम दिया है भारत के मन की बात मोदी जी के साथ। जैसे आपको मैंने एक लेटर दिखाया, उस पत्र के ऊपर उस बॉक्स में अपने जो लोग हैं वो अपने मन की बात लिखकर, जो उनके मन में जो चाहते हैं कि कश्मीर में या देश में ये होना चाहिए, तो वो उसमें डालेंगे। तो अपना जो संकल्प पत्र है, विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें हम लोग डालकर उस बात को आने वाले लक्ष्य के बाद को पूरा करें। ये आज दो कार्यक्रम। जो रिसेंटली लेफ्ट को अलग डिविजनल स्टेटस दिया गया है, तो उसमें कारगिल वालों ने एहतजाज किया कि उनके साथ नाइंसाफी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज जारी सदर राज है,
دیکھیے لیہ کی جو ڈیمانڈ تھی کہ ان کو ڈویژن اسٹیٹس ملے تب سے وہ تو میں گورنر صاحب کا دھنیہ واد کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ مانگی ہے جو کارگل کا لوگوں کا من ہے کہ روٹیشن وائز یہ آئے تو آج آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ اس ایشو کو وہ اسٹڈی کر کے اپنا سجیشن دے گی جو کمیٹی کا سجیشن ہوگا سب کی بھاوناؤں کو دیکھتے اس کو لاگو کیا جائے گا ان کی ڈیمانڈ ڈویژن کی نہیں رہی ہے وہ یونین ٹیریٹری مانگ رہے ہیں پہلے سے ہی تو ابھی جو ان کا یونین ٹیریٹری کا ڈیمانڈ ہے کیا اسے گورنمنٹ دیکھ رہی ہے یا جو ہم دے پائے ہیں دے دیا باقی پہ وچار چل رہا ہے دیکھیے بالکل کوئی جاتی نہیں ہوئی سرکار ان کی سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے ان کو اسپیشلی یہاں لانے کی کوشش کر رہی ہے اب نیچر کے آگے اس پرماتما اللہ کے آگے جو موسم خراب ہوا اس کے آگے کسی کا بس نہیں ہے بھائی ڈھونڈ آنا ان کے لیے مشکل ہے میں بھی دو بار میرا بھی پوسٹ پون ہوا یہاں آنے کا لیکن سرکار پوری طرح ان کو پراپر وے سے جیسا جیسا موسم ٹھیک ہوتا ہے لیکن کچھ عنصر جو اس پردیش کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں وہ اس سینٹیمنٹ کو بھی بنا کر اس کو مس یوز کر کے وہاں پر ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی جو پرابلم ہے اس کو حل کرنے کی بجائے وہ کشمیر کے خلاف جموں کے خلاف بھارت کے خلاف نعرے بازی کر کے ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہونے نہیں دیں گے لیکن جو ان کی سمسیا ہے اس کو ہم حل کریں گے روٹیشنل جو ہیڈ کوارٹر کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہو پائی تو آنے والے چناؤں میں بھاجپا کو ایک سیٹ بیک لگ سکتا ہے وہاں سے ووٹ بینک کے دیکھو اگر کا جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے ان کے من کے سینٹیمنٹس آئے ہیں تو گورنر صاحب نے اس سینٹیمنٹس کو دیکھتے ہوئے ایک کمیٹی کا گٹھن کیا ہے وہ ہر چیز کو پہلے لاجک پھر سمسیا کو دیکھتے ہوئے اپنی وہ ریکمنڈیشن دی اس کے بعد وہ فیصلہ بی جے پی کیا اس مطابق کے ساتھ ہے اس کا ساتھ ہے یہ بتا لیکن میں نے پہلے کہہ دیا تو یہ ہم پبلک سینٹیمنٹس کے لیے جو ہے ان کی شنے کرام اچھا دس گورنر صاحب از بینگ ایکیوزڈ بائی ایم سی اینڈ پی ڈی پی دیٹ ہی از رننگ دی ایجنڈا اف بی جے پی ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ریئیکٹ ان کے پاس گالی دینے کے سوا کام کوئی نہیں کتنا اچھا کام اسٹیٹ میں ہو رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کم سے کم جو اچھے کام ہو رہے ہیں اتنا بڑا پیکج اتنا بڑا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے اس کے لیے دو شبد پریس کے کر دینا یہ ایک ہیلدی ڈیموکریسی کا وہ سسٹم ہے دیکھیے ڈیموکریسی ہے کوئی کسی کے ساتھ جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہم مضبوط ہیں ہم کوئی بھی گٹھ بندھن کو اس میں مہا گٹھ بندھن بھی بن گیا ہے جو الگ الگ پارٹیاں جو کبھی کانگریس کا ورودھ کرتی تھی کانگریس کے ورودھ کے کارن وہاں سے نکلی ہیں آج وہ بھی اکٹھی ہو رہی ہیں اس لیے بھارتی جنتا پارٹی اپنے جو 11 crore ہمارے ممبر بنے ہیں 7 crore ایسے پارٹی کے کاریکرتا جن کے پاس کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے 22 crore لوگوں کو کوئی نہ کوئی لابھ دیا گیا ہے بہت بڑی اسٹرینتھ ہے بھارتی جنتا پارٹی کے کاموں کی اور پارٹی کی اس کے حساب سے ہم لوگ چناؤ لڑیں گے ہم بیساکھیوں کے اوپر چناؤ جو ہے وہ نہیں لڑنے والے ہم جو لوگ یہ اکٹھے ہوئے ہیں کسی ایک پازیٹیو کام کرنے والے ویکتی کے خلاف میں سمجھتا ہوں جنتا الیکشن میں اس کا جواب دے گی بی جے پی لڑ رہی ہے اپنا